ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है और इसमें प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम इसके चारों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये प्रूव करना है हमको, तो चलिए अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन में है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब ये अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है तो हम लोग रोम्बस के प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले जानेंगे। इसका मतलब है कि इसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया। एंड डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया रोम्बस का, मीन्स ए ओ, ए ओ इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ए सी, एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी इक्वल टू हाफ बी डी। मीन्स ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है ओ पे, मीन्स ए ओ और ओ सी इक्वल होगा और ये ए सी का हाफ होगा, बी ओ और ओ डी इक्वल होगा, ये बी डी का हाफ होगा। चलिए अब हम लोग प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हम लोग ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा कि दो साइड्स जो हैं, देखिए ये हो जाएगा ए बी हाइपनस हो जाएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड हाइपनस होता है। तो ए बी स्क्वायर मीन्स हाइपनस स्क्वायर रेस्ट टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम होगा, दैट इज ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे, ए बी स्क्वायर ए ओ, ए ओ की जगह पे हम लोग हाफ ए सी लिखेंगे, ए ओ की जगह पे हाफ ए सी लिखेंगे। तो ये हो गया 1/2 ए सी का स्क्वायर प्लस बी ओ, बी ओ के जगह पे हाफ बी डी लिखेंगे, 1/2 बी डी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। 4 एलसीएम ले लेंगे हम लोग ए बी स्क्वायर, जब यहाँ हम लोग 4 एलसीएम लिए तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इस 4 को इधर ले जाएंगे और 4 ए बी स्क्वायर, 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर 4 ए बी स्क्वायर मीन्स हम लोग 4 टाइम्स ए बी लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, 4 बार अगर ए बी लिखेंगे तो दैट इज़ 4 ए बी स्क्वायर। ये रफ वर्क है, ठीक है। तो अब हम लोग एक ए बी को ए बी रहने दिए, दूसरे ए बी के जगह पे हम लोग बी सी लिख देंगे और तीसरे ए बी के जगह पे हम लोग सी डी लिख देंगे और चौथे ए बी के जगह पे हम लोग ए डी लिख देंगे। तो ये सब का स्क्वायर हो गया, चूँकि ये ए बी स्क्वायर है तो दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए यही हमको प्रूव करना था, सॉरी हम लोगों ने रिक्वायर्ड टू प्रूव नहीं लिखा है, आर टी पी, आर टी पी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हो गया चारों साइड के स्क्वायर का सम इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है, यही प्रूव करना था हम लोगों को। यहाँ प्रूव्ड हो गया हम लोगों का, दिस इज़ प्रूव्ड नाउ।
तो इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा।